हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम जो है आप सभी के लिए कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं 24th एंड 25th जून की शिफ्ट्स का। तो यहाँ पे टोटल जो है अभी तक आपकी 4 शिफ्ट्स हो गई थी और अभी जो है करेंटली शायद मॉर्निंग शिफ्ट चल रही होगी। तो अभी जिन जिन स्टूडेंट्स के पेपर रह गए, यानी कि 26th के आपकी इवनिंग शिफ्ट हो गई, उसके अलावा 27, 28, 29 को जिन स्टूडेंट्स का पेपर है उनको ये एनालिसिस बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि हम जो है फिजिक्स सब्जेक्ट के आपके हाइएस्ट वेटेज चैप्टर्स देखने वाले हैं जो कि पिछले कुछ शिफ्ट्स में पूछे गए। देन मेन स्पेसिफिक टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चंस पूछे गए कि आपको उन्हें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देन आपके कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो उनको आप जो है अभी रिविजन के टाइम पे लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कि अगर भाई उन टॉपिक्स को आप नहीं भी करके गए तो प्रोबेबिलिटी कम रहेगी कि वहां से जो है क्वेश्चंस आए। और साथ ही साथ हम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं कि जहां से क्वेश्चंस जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके पूछे गए, तो ये एनालिसिस जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स पे नजर डालें तो मॉडर्न फिजिक्स से ये चीज देखी गई है कि हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपके फिक्स ही रहे हैं। देन वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से आपके लगभग एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 3 शिफ्ट में तो आपके लगभग 3 क्वेश्चन आए ही थे आए, और 1 शिफ्ट में 3 से कम आए थे। तो इस तरीके से जो है आप मान के चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन फिक्स थे आपकी हर शिफ्ट में, तो ये 3 जो है ये आपके हाई वेटेज चैप्टर्स में आ जाते। अगला अगर हम बात करें तो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करें जैसे कि सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब इन टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देन यूनिट्स डायमेंशंस एंड एरर्स की अगर बात करें तो ये जो है जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पे जो है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो जिनकी शिफ्ट में जो है 2 क्वेश्चन आए थे उनके लिए ये काफी इजी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अगर आप इन चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लेते तो अच्छा खासा आपके पास मार्क्स गेन करने का मौका रहेगा। साथ ही साथ ईएम वेव्स का भी जो है हर एक शिफ्ट में एक एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये जो है मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब अगर हम ऐसे टॉपिक्स की बात करें जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला या फिर एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल गया है वो भी किसी एक शिफ्ट में ही, तो वो थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन आपका सीओएम एंड कोलिजन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो है इन पे अभी इतना ध्यान नहीं दिया है, पर इसको आप सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते, इनको बस प्रायोरिटी कम दीजिए, हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट्स में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब अगर हम देखें लास्ट में मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स जिनसे भाई हर शिफ्ट मतलब मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए, तो वो तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे जो है 3 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिले। साथ ही साथ हमने ने जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज कवर की है उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो ये भी जो है आपकी 3 शिफ्ट में आया है, तो ये भी जो है हमने अपने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में जो है कवर किया था। तो इसमें से जो है हमें पहले ही पता था कि यार ये आपके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार रिपीट हुए, तो इन टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर करा है। अब इस सीरीज को हमें और आगे ले जाना है ताकि हम सेकंड अटेम्प्ट तक आप लोगों की और ज्यादा हेल्प कर पाए। देन पोटेंशियोमीटर जो था उससे भी जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन देखने को मिले, सर्किट एनालिसिस बेस्ड जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पहले ही देखा 2 क्वेश्चन फिक्स है, और ये 2 टॉपिक्स जो है बार बार आ रहे हैं तो इन पे जो है आपको फोकस रखना है। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट था, इसके भी जो है लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये वाले जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन। देन हीट एक्सचेंज भी जो है वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में था, और कार्नोट इंजन के भी जो है 2 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये एनालिसिस जो है अभी तक हमारी 4 शिफ्ट जो हुई है उनके बेसिस पे था, होपफुली ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। बाकी जितना ज्यादा आप सिलेबस अच्छे से कवर करके जाए, देन फिजिक्स में एक और चीज का ध्यान रखें, फॉर्मुलेस लगभग सारे जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो ही फॉर्मुलेस आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके के और भी आपके लिए जो है फायदेमंद वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, चैनल को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।